नमस्कार, हम दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालय भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस के छात्र आपके समक्ष एक ऐसा सच प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसे लोग देख के भी अनदेखा करते हैं। सुना था भारत में दो भारत बसते हैं, एक जो शहरों में रहते हैं और दूसरे जो गाँव में रहते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो झुग्गी झोपड़ी में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में आसमान को छुटी हुई इमारतें और दूसरी तरफ गंदगी में सनी हुई झुग्गी झोपड़ियां, क्या यही दिल्ली का विकास है? चलो आज हम ले चलते हैं नारायण की झुग्गी झोपड़ियों में और अवगत कराते हैं वहाँ की डाइवर्सिटी। देख सकते हैं एक तरफ बड़े बड़े मकान, दूसरी तरफ झुग्गियों की ओर जाती हुई एक सड़क कीचड़ में नहाई हुई। इस वक्त नारायणा के पास जो स्थित झुग्गी है उसकी तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। रात के अंधेरे में किसी को भी चोट लग सकती है। यहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई लाइट का पोल लगा है, ना कुछ। चल भाई चल। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे के ट्रैक्स हैं और यहाँ से लगातार ट्रेनें गुजरती हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि ऊपर एक फ्लाईओवर बना हुआ है जो कि एक हमें लगता है कि विकास का साधन है, लेकिन नीचे का एरिया जहाँ आप देखेंगे वहीं पे हमारी सरकार ने विकास को एक तरीके से नज़रअंदाज कर दिया है। फ्लाई ओवर तो कूड़ेदान बनाया हुआ है भाई। आप सभी देख सकते हैं जैसे कि लोग पटरी पे बैठे हुए हैं, और जैसे ही ट्रेन आ रही है आप देखिए लोगों में क्या हलचल मचती है एकदम से। फुल स्पीड में जो कि जा रही है, अगर किसी के भी साथ कोई हादसा हो गया तो क्या होगा भाई? बरेली जा रही है ट्रेन? मैं इसी से जा रहा हूँ, बरेली इसी से जा रहा हूँ। सुविधाएं क्या है कि आदमी किसी तरह से इधर उधर से कर करके अपना टूटी लगा करके। अच्छा, मतलब वो पानी तो मैंने लगभग उधर पानी नहीं जा रहा है, वो पानी आता कहाँ से? सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार की तरफ से आ रहा है। अच्छा, और मतलब जैसे शौचालय ये सब यहाँ पे सुविधा? शौचालय एक है, 5,000-10,000 आदमी एक शौचालय एक। हाँ एक है, एक इधर है, एक उधर। अच्छा, और आपको मतलब सर्दियों में गर्मियों में मतलब कैसे यहाँ पे कैसे गर्मियों में जैसे बारिश के टाइम पे यहाँ पे? हाँ थोड़ा तो क्या मतलब दिक्कतें आती है बारिश के टाइम पे? वातावरण में गर्म में इसमें बरसात में तो देखो पानी भर ही जाता है, सारे में इधर से उधर हो जाता है, आने जाने में तो दिक्कत होती है। मतलब आपको कोई सुविधा नहीं क्या मिलता है? प्रोजेक्ट में होगा पूरे गंदगी वगैरह के लिए भी कोई सरकार की तरफ से? सर यहाँ पे कहीं आसपास स्कूल है? हाँ स्कूल स्कूल पास में है, थोड़ा दूर में घर यही है, नाली यहीं से निकल रही है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं किस हिसाब की दिक्कतें आती होंगी इन्हें। ये पीने का पानी है? ये आप पानी पीते हैं? हाँ। पीने योग्य है ही? जैसा कि हमने देखा कि इन झुग्गियों की गलियां कितनी छोटी हैं और यहाँ की नालियाँ कितनी पतली हैं, और लोग यहाँ के लोग कूड़ों को नालियों में प्रवाहित करते हैं जिससे नालियाँ बाधित हो जाती हैं, और वर्षा के समय इन नालियों में जल प्रवाह नहीं हो पाता जिसकी वजह से घरों में नालियों का पानी प्रवेश करता है और इसकी वजह से मलेरिया और हैजा जैसी खतरनाक बीमारियाँ। वहाँ देखा कि ये झुग्गियाँ
पटरियों के कितने नज़दीक बसी हुई हैं और हर 5 मिनट बाद कोई ना कोई ट्रेन वहाँ से गुजर रही थी। अब आप देखेंगे कि मेरे दोस्त ने ट्रेन को जाके देखा कि बिजली के खंभों पर तार इस प्रकार थे जैसे पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले लगे हुए। हमने वहाँ के लोगों से पूछा कि अगर यहाँ आग लग जाती है तो आप किस प्रकार बचाव करते हैं। उन लोगों ने कहा कि बाहरी कोई मदद नहीं मिल पाती क्योंकि वहाँ पर फायर ब्रिगेड भी नहीं आ सकती क्योंकि इतनी संकरी गलियाँ हैं, केवल बिजली काटी जाती है और उन लोगों द्वारा ही, वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा ही वहाँ पर कंट्रोल नहीं, गाड़ी तो नहीं आती, बत्ती वाला काट देता है ना, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ ना, तो वहाँ से कट जाती है। तो आग को बुझाना भी तो पड़ता होगा, आग को बुझाना भी तो पड़ता होगा, काटने से ट्रांसफार्मर से कट जाती है ना, तो आप बुझाने नहीं आते हैं? कोई बुझाने नहीं, गाड़ी वाला कोई नहीं आता। जब हम झुग्गी झोपड़ी में गए तो वहाँ हमने लोगों से चिकित्सालय की सुविधा के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा कि यहाँ चिकित्सालय, सरकारी चिकित्सालय जो है वो 1 घंटे की दूरी पर है और वहाँ एक प्राइवेट चिकित्सालय भी था जिस पर ताला पड़ा हुआ था, तो लोगों को इस समस्या का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री है, एमपी है, नाम बताओ, नाम वो कहे थे कि खाना में बनवा देंगे। एमपी का क्या नाम है, कौन सी पार्टी का एमपी है आंटी? महीना हुआ है शुरू के तारीफ पूरी बोलो जब बोल रहे हो तो का? दो साल पहले उन्हें कह रखा था बनवाऊंगा दोबारा है खाने के लिए। यहाँ अब ये झुग्गी झोपड़ी है, यहाँ रोड देखो सही नहीं है, यहाँ पे डेंगू वगैरह भी बहुत फैलता होगा, डेंगू मलेरिया और बीमारी कौन सी बीमारियाँ, आप उसके क्या पास में कोई अस्पताल वगैरह है? यहाँ नहीं है सर, वो हरिनगर दीनदयाल है, तो यहाँ से हरिनगर दीनदयाल जाते हैं, हरिनगर जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, चाहिए करमपुरा बिच्छू वाला अस्पताल है वहाँ ले जाते हैं। उसी में पानी में भरा हुआ, सुबह आइए आपको पानी मिलेगा, वहाँ तक भरा हुआ बारिश, नहीं नहीं बारिश का नहीं, नाली का पानी जम जाता है, नाली का पानी इतना टूटी बह रहा है, पानी जम जाता है, सुबह आइए। तो मच्छर मक्खी वगैरह तो बहुत ही भयंकर होता है ना, जब तो बीमारी होती है वहाँ, देखिए कूड़ा भी कहता है सरकार झाड़ू मारने पालेगा ना, जब तक आप पूरी सफाई, कूड़ा फेंकने के लिए आप लोग क्या करते हैं, कूड़ा दान वगैरह है, कूड़ा दान तो आगे है तो सफाई वाला आता है वही ले आता हूं भैया, ऐसा है ना गन तो फिर भी सरकार से खड़ा हुआ 3 दिन सरकार आगे मान लो इस तरफ तो चक्कर लगा रहा है बार बार, जब सरकार जिस दिन गिरा है ना उनसे फिर कौन जाना बन अफवाह बनना होगा। बीजेपी वाला भी आया, कांग्रेस पार्टी वाला भी आया, झाड़ू वाला भी आए, तो उन्होंने वादे करे होंगे कुछ आप लोगों से, वादा सर तो 2-3 साल पहले किए थे कि लैट्रिन बनवाएंगे, अभी एमपी के चुनाव एमएलए के चुनाव हुए थे, हाँ जी, तो उन्होंने आपसे वादे करे होंगे कुछ, हम ये कर देंगे, हम झुग्गी झोपड़ियों से हुआ कुछ काम नाला सर बोले तो ऊंचा करूंगा नाला वाला पूरी वहाँ से लेकर बाहर तक मिलाऊंगा, मगर ये काम सर नहीं होगा। बीजेपी बाकी सर क्या करते बनता नहीं सर कुछ चुनाव नहीं, चुनाव के लोग करीब में आते हैं लोग, चुनाव खत्म हो गया आना बंद हो जाएगा सर, बाकी सर मैं कहता हूँ कि आप इस टाइम नहीं, आप सुबह आइए, आप स्वयं देखिए कि पानी है कि नहीं है, किसी को बोले तो मैं मानू, मैं तो ही कहूँगा लोग सोचते हैं कि बना के बोल रहा होगा वो गलत है, आपको वहीं से पानी मिलेगा, पूरी भरी नाली का पानी भरा होगा, नहीं नहीं सर बारिश का नहीं, ये पानी नाली का पानी अभी तो बारिश है, जब मानसून का सीजन आता है ठीक है करते हैं सर जी, जाते हैं घूम के लैट्रिन करने के लिए, ऐसे जाएंगे ऐसे घूम के ऐसे जाएंगे लैट्रिन करने के लिए, शाम जा भी सकता अभी भी पानी बन रहा है आगे, जैसे यहाँ पे ट्रेन की पटरी है बराबर में, काम क्या करते भैया, जैसे यहाँ पे बराबर में ट्रेन की पटरी है तो कुछ खतरा वतरा तो रहता ही होगा, फाटक वगैरह कोई नहीं है, यहाँ पे टहलते रहते हैं पटरी, कोई दुर्घटना वगैरह बच्चे
लूटा मारी छीना चोरी बाकी सारी चीजें यहाँ पर हर एक रोकने की कोई उपाय आपको मैं कुछ नहीं है सर, रोकने का कोई उपाय नहीं है। आपको कुछ करेंगे अभी तीन दिन लगातार जो है ना मायापुरी तीन दिन लगातार हुई चोरी जैसे दो महीने आम आदमी पार्टी सरकार रही तो वहाँ से डेली का काम है यहाँ भी स्कूल का होता है स्टॉक पर लेकर स्कूल का डेली मतलब क्राइम होना कैसा क्राइम मोबाइल छीनना चोर का कोई काम थोड़ी होता है चोरी करना फ्री में रोटी खाना में कमी किसका सर है कमी अगर उन्हें कुछ काम मिले तो फिर वो ये काम ही ना करें सर किससे माथे पर लिखा है उसके बाद फ्री तो मालूम है अब मालूम नौकरी करते हैं महीने के 8-10 हज़ार मिलेगा मान लो एक आदमी 10 हज़ार छीन के पैदा कर रहा है पॉकेट में ले यार रुपया छीन के वही काम उसके लिए अच्छा है कोई सरकारी अस्पताल में नहीं है पोलियो को खुराक वाली सराते हैं खाली दवाई पिलाने के लिए बस अरे है भी सर बना हुआ आगे ना तो आपको मेडिसिन कुछ भी मिलेगा नहीं डॉक्टर आएंगे बैठेंगे आप 15-20 मिनट डॉक्टर हाँ वारिस बना हुआ सर गवर्नमेंट के साथ बना हुआ पास ही है सपा दूर है चौक पार करने के बाद रगड़ दूँ वहाँ बाकी यहाँ खुदा के यहाँ पर बच्चों दवाई पिलाते हैं पोलियो वजह से बाकी सर आगे माहौल का बहुत ज़्यादा है दिल्ली पूरी झुकी इतना गंदा गंदा होगा बिहार मैं सर उन्हें चार से रखता हूँ बिहार होती हर हर बिहार और यूपी के यहाँ सर कम से कम लगा लो 20-25 साल झुकना है तो कुछ आप पार्टी के दौरान यहाँ सब आम पार्टी की सरकार बनी सर क्योंकि हमें खूब सफाई हुई आम पार्टी सरकार गिरा है जब से कोई आना बंद हो गया सर लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं हाँ सर वोट देंगे सर बिल्कुल और बोलो सर यहाँ पे कोई आने लगा है अभी इस साल कोई नहीं तो मतलब बिल्कुल लास्ट में आते हैं जब सब आ जाएगा ना जब आने लग जाएंगे सब और इनके बंदे बाकी इनके बंदे आते हैं पूछते भी हैं कि भाई क्या कर सकता हूँ हमारी सरकार गिरा है मगर फिर भी कर्मचारियों को मैं भेज रहा हूँ सफाई करने के लिए वो बोल रहे हैं आते हैं कि बंदे आते हैं करने के लिए हमारे देश की राजधानी में रहने पे गर्व बिल्कुल सर अगर यहाँ से आपको बोले कि स्लम में जाके आपको फ्लैट दे रहे हैं तब जाना चाहेंगे बिल्कुल जाएंगे सर और मतलब जो आते हैं और पार्टी उसके वो यहाँ पे आके आपसे मतलब क्या बोलते हैं क्या सर वोट दो हमारे को काम करेंगे आपके लिए अच्छा तो वोट तो हमारी मर्जी कहाँ तो ना नहीं देना आप इतना थोड़ी वोट दे दूँगा मैं जो अच्छा काम करेगा सर उसको वोट देंगे मगर अच्छा काम किसके ऊपर लिखा है कि अच्छा काम करेगा नए बंदे हमें क्यों अच्छे लगे इस बार जब थोड़े वोट यहाँ से हारे हैं बेचारे तो परिवार खड़े हो जाते तो पक्का है कि सुबह जगह पे जीते होते आज आज लोग जीत के भी इन सबके सामने हार ही चुका है इसके सामने मान लो कि जीत के भी जीते तो दुनिया जीत गया मन इनके सामने जीत के भी हारे उस लोगों को सुबह जीत क्या है जीत के हार चुके हैं जबकि भंग हो गया सब हार गया मगर दोबारा से इनको वोट सब देगा हम लोग अभी सब लोग सारे जो गया ना 20-25 हज़ार जो गया टोटली वोट निकल जाएगा क्योंकि जो भाई देखो शुरू से भी काम करवाते रहे जब सरकार बनी तो हमारे इलाका चमका पूरा कमाना से देखो बहुत कम मिलेगा आपको पर फिर भी पूरा भरता है तो आम आदमी पार्टी ने काम अच्छा किया हाँ हाँ बहुत बड़े काम सर थैंक यू सर घर पर चढ़ने के लिए तो क्या कैसे जाते होंगे वो सब्जी की दुकान यहाँ देख सकते हैं सब्जी की दुकान माहौल में बनी हुई है नीचे ये सब्जियाँ ताज़ी हैं नीचे नीचे नाली बनी हुई है ऊपर सब्जी Yeah.
ये बता सकते हैं कि बिजली के तारों पे कपड़े सूख रहे हैं, किसी को भी करंट लग सकता है? यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि लोगों के बिजली के तारों पे कपड़े सूख रहे हैं, वहीं पे बिजली का पोल लगा है, यहाँ पे बहुत तेज बिजली आ रही होगी, किसी को भी करंट लग सकता है। तो ये एक यहाँ की बहुत ही बड़ी समस्या है ये, कि यहाँ पे बिजली के तार। यहाँ एक चीज़ तो साफ तौर पे देखी जा सकती है, पानी आए ना आए स्ट्रीट लाइट दिन में भी जलेगी। घर घर को भी दिखाया ना, घर बच्चे रात में अंधेरे में गिर जाए। चलो वीडियो बहुत ज़्यादा खाते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं लोग किस तरह हम पानी भर रहे हैं। छोटू पढ़ने जाते हो तुम? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पाँचवीं में। यहाँ पे कोई है स्कूल? कहाँ पे पढ़ने जाते हो? हम लोग बहुत दूर जाते हैं, मशहूर गार्डन। तो कितना टाइम लगता है यहाँ से जाने में? क्या साधन है जाने का आपका बेटा? पैदल चल के जाते हो? हाँ। ट्रेन का ट्रैक पार करके जाते हो? फ्लाईओवर की उस तरफ है? फ्लाईओवर की उस तरफ है? नहीं इधर ही है। इधर ही है। अच्छा ये आपने ब्लेड ले रखा है हाथ में? अच्छा आप ये कहाँ से लेते हैं ब्लेड? ऐसे नहीं उठाना चाहिए, इनसे काफी बीमारियां फैलती हैं। आप लोग को स्कूल जाते समय कोई समस्या आती है रास्ते में, जैसे कोई ट्रैफिक वगैरह की समस्या? तो पढ़ाई सब समझ में आती है टीचर्स की? पढ़ाते अच्छा है वो लोग। वैसे आपके पापा क्या करते हैं? और मम्मी? मम्मी गांव में। आप और पापा यहाँ रहते हैं? आप यहीं पर सोते हो? यहीं पर सोते हो आप? और अपने दीदी के पास। आप क्या करते हो? ड्यूटी करते हैं। रात में अंधेरे में गिर जाएंगे। इधर वीडियो बनाने के लिए बोलना शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं आप बिजली का ट्रांसफार्मर, बच्चे आग लग जाए तो क्या होगा? बच्चे देख, बच्चे खेल रहे हैं। वॉल्यूम तेज। छोटू ट्रांसफार्मर से हटके पीछे हो जाओ, बच्चे पीछे हो जाओ, बिजली वाला पीछे। आधे किलो मछली खरीदो तो चप्पल, दो चप्पल आता है। क्या बेच रहे हो अभी? नहीं ये पीस बनाता है लाके। अच्छा तू खुद बनाता है? नहीं ये बनाती है। पैसे मिलते हैं? हाँ मालूम है, पैसे मिलेंगे। आगे से आवाज नहीं। टेलीविजन में देखा होगा आपने किस तरीके से सरकार के वायदों को ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, फ्लाईओवर मेट्रो, कितना विकास हुआ है देश की प्रगति में, कितना हाथ है सरकार का सब दिखाई पड़ता है। लेकिन इन झुग्गी झोपड़ियों को देखने के बाद सरकार के सारे वादे झूठे नज़र आते हैं। हमारी जितनी भी परेशानियां, जितनी मुश्किलें हैं सारी छोटी दिखाई पड़ती हैं। और आप इस तरफ भी देख सकते हैं बहुत गंदगी बनी है, इससे कितने मक्खी मच्छर और बीमारियां फैलने के आसार बनते हैं। यहीं पे लोग शौचालय कर रहे हैं, ना शौचालय की व्यवस्था है, यहीं लोग शौचालय जा रहे हैं और ट्रेन आ गई। आदमी दिख रहा है, आदमी दिख रहा है ना। इन वीडियो में जाने के बाद हमें पता लगा है कि यहाँ के लोगों को कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की समस्याएं, पानी की समस्याएं, शौचालय की समस्याएं। इन झुग्गियों में 1000 से ज़्यादा लोगों की आबादी रहती है, लेकिन उन सब के बीच शौचालय सिर्फ एक। इस वजह से इन लोगों को खुले में शौच करनी पड़ती है, जिस कारण यहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ होने का डर रहता है। हम सभी झुग्गियों में गए तथा हमने वहाँ पे अनेक समस्याओं को जाना। उसमें से एक बहुत बड़ी समस्या थी पीने के पानी की समस्या। वहाँ पे जो पीने के पानी का स्रोत था उसके पास ही एक बहुत बड़ा नाला बह रहा था तथा उसमें बहुत ही गंदगी थी और पास में ही एक गंदगी का ढेर भी था, जिससे उस पानी में बहुत सारे कीटाणु जीवाणु जा सकते हैं तथा उससे पानी को पीने से लोगों को अनेक बीमारियाँ। आज हमने झुग्गियों का दौरा किया। दौरा करने पर हम लोगों की ऐसी समस्याओं से अवगत हुए जिनके बारे में हम आज तक नहीं जानते थे। लोगों का कहना है कि सरकार से लोग आते हैं लेकिन सिर्फ इलेक्शन से पहले, वोट देने से पहले उनका वोट मांगने के लिए लोगों को झूठा सपना दिखाया जाता है, लोगों से झूठे वायदे किए जाते हैं लेकिन वो वायदे सिर्फ वायदे बन के रह जाते हैं। सरकार की मानो तो वो ठोस कदम उठा रहे हैं, सरकार की मानो तो वो ठोस कदम उठा रहे हैं लेकिन हम जानते हैं कि वो ठोस कदम
इतने ठोस होते हैं कि उठ ही नहीं पाते हैं। इन झुग्गियों वालों का आज दुनिया में कोई नहीं है। अरे यार, जल्दी ले।